हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं डीटीएच और केबल टीवी के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप डीटीएच के ग्राहक हैं, आप केबल टीवी पर शिफ्ट होना चाहते हैं, या केबल टीवी के ग्राहक हैं, अगर आप डीटीएच पर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इसके बारे में आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, टीवी देखने के लिए दो जरिया है, या तो आप डीटीएच के जरिए देख सकते हैं या तो केबल टीवी के जरिए देख सकते हैं। डीटीएच में क्या होता है कि आपके घर के पे एक डिश लगाया जाता है जो कि 2 फीट का होता है, एक सेटअप बॉक्स से कनेक्ट किया जाता है, आप अपने मनचाहा चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। केबल टीवी में भी आपके यहाँ एक सेटअप बॉक्स लगता है, इसमें कोई डिश नहीं लगता, बस इसमें एक आरएफ केबल आपके सर्विस प्रोवाइडर देता है, आपके सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करता है और आपके यहाँ आपके फेवरेट चैनल्स आना स्टार्ट हो जाता है। अब बात मुद्दा ये है कि अगर आप केबल टीवी के ग्राहक हो, आप डीटीएच में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए, आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, ट्राई के न्यू रूल आने के बाद से टीवी का बिल डीटीएच वालों का भी बढ़ा है और केबल टीवी वालों का भी बढ़ा है। अब केबल टीवी कैसे डीटीएच से सस्ता है, मैं उन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहला चीज, नेटवर्क कैपेसिटी भी 130 रुपीज डीटीएच पे भी है और केबल टीवी पे भी है। 130 रुपीज में 100 चैनल्स आपको डीटीएच प्रोवाइड कराता है, लेकिन केबल टीवी में 130 रुपीज में 150 से ज्यादा चैनल दिया जाता है। ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन ने आदेश देने के बाद से सभी एमएसओ 130 रुपए में 150 से भी ज्यादा चैनल प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि अगर आप डीटीएच में 150 चैनल लेते हो तो 40 रुपए आपको ऐसे एडिशनल नेटवर्क कैपेसिटी पे करना पड़ता है, जो कि एक केबल टीवी में आपका सेव होता है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं सर्विसेज के बारे में। अगर आप केबल टीवी के सब्सक्राइबर हैं, ग्राहक हैं, तो आपके मंथ में आपके घर पे जितने बार प्रॉब्लम होगा तो आपका सर्विस प्रोवाइडर विदाउट एनी इंस्टॉलेशन चार्ज, विदाउट एनी सर्विस चार्ज आपको सर्विस देता रहेगा। अगर आप डीटीएच में हो, डीटीएच के ग्राहक हो, तो अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इवन आपके चैनल्स नहीं आ रहे हैं या सेट बॉक्स बंद है या आपका सिग्नल नहीं आ रहा है, तो आपके इसके लिए डीटीएच के जो भी सर्विस प्रोवाइडर आएगा वो आपसे मिनिमम 350 रुपए सर्विस चार्ज करेगा। उसके बाद आपका सिग्नल का इश्यूज है या सेट बॉक्स का इश्यूज है उसको देखेगा। केबल टीवी में बिल्कुल ही कॉस्ट आपका बच जाता है। अब आते हैं पैकेजेस के बारे में। केबल टीवी और डीटीएच के पैकेजेस में भी अगर बात किया जाए तो नंबर ऑफ चैनल्स ज्यादा मिलेगा केबल टीवी में। अब रही बात प्राइस की, तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी कम हो जाता है, क्योंकि डीटीएच में एनसीएफ एडिशनल एनसीएफपी दोनों चार्ज कर लेते हैं और केबल टीवी में सिर्फ एनसीएफ चार्ज करते हैं, एडिशनल एनसीएफ फी ना के बराबर ही लिया जाता है, बिल्कुल नहीं ही लिया जाता है। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस डीटीएच और केबल टीवी में है। अब बात करें हम लोग सेटअप बॉक्स के फीचर्स के बारे में, तो डीटीएच में आजकल ओटीटी आ गया है, यानी कि केबल टीवी और ओटीटी, जैसे टाटा स्काई है, डिश टीवी है या एयरटेल है, एयरटेल का एक स्ट्रीम आ गया, डिश टीवी का भी ओटीटी एप्स आ गए हैं, बॉक्स है, डिश स्मार्ट बॉक्स आ गया है। लेकिन केबल टीवी में भी अब हैथवे है, एशियन नेट है, डेन है, ऐसे बड़े बड़े एमएसओ ने ओटीटी और केबल टीवी दोनों का प्रोविजन कर दिया है नए वाले सेटअप बॉक्स, एंड्रॉइड जो सेटअप बॉक्स आ रहा है उसमें, यानी कि डीटीएच को भी टक्कर देने के लिए केबल टीवी ने भी एंड्रॉइड देना स्टार्ट कर दिया, जिसमें आप ओटीटी और केबल टीवी दोनों देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इश्यूज है, जिस वजह से आप लोगों को केबल टीवी से डीटीएच की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब नंबर फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब मान लो जो पैकेजेस हैं, अगर आप डीटीएच में अगर पैकेज अगर सब्सक्राइब कर लिए और आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आपको फुली डिपेंडेंट रहेगा उनके कस्टमर केयर टीम पे कि जब तक वो उनसे बात नहीं होगी या आप जब चाहो तब ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन केबल टीवी में आप जब चाहो तब ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपके एरिया में एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसके 3-4 सर्विस मैन हैं जो आपके फोन करने पे आपके घर पे आएंगे और आपके जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कहते हैं चैनल हटा दो, हटा देंगे, चैनल ऐड कर दो, ऐड कर देंगे, सच काइंड ऑफ फीचर्स आपको केबल टीवी में मिल जाता है। ये बेसिकली 4-5 पॉइंट है, जिस वजह से मैं कहता हूँ कि जो माइग्रेशन है केबल टीवी से डीटीएच में और डीटीएच से केबल टीवी में हैजल फ्री नहीं है, ये काफी टफ जॉब है। दोनों केसेस में पैसे की ही बर्बादी है और कस्टमरों को परेशानी ज्यादा है। जो केबल टीवी वाला है उन्हें लगता है डीटीएच अच्छा है, जो डीटीएच वाले हैं उन्हें लगता है केबल टीवी अच्छा है। तो बोथ प्लेटफॉर्म पे सिमिलरिटीज यही है, थोड़े से प्राइस ऊपर नीचे है, लेकिन बोथ प्लेटफॉर्म ओके ओके है, दोनों जगह पे सेम ही चीज आपको मिलेगा।
तो ये अपडेट था दोस्तों, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक।